हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राय बरेली रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ बछरावा रेलवे स्टेशन में और मैं आज यहाँ से सफ़र करने वाला हूँ 04266 देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस स्पेशल में, जिसमें कि मैं बछरावा से रायबरेली जंक्शन के बीच में भी सफ़र करूंगा। और इस सफ़र का मेन पर्पज़ यही है कि जो गंगागंज से रायबरेली के बीच में डबल लाइन का वर्क चल रहा है, उसी की अपडेट आप लोगों को देनी थी और क्या क्या वहाँ काम हो रहा है और क्या अभी बचा हुआ है उसी की अपडेट आप लोगों को देनी थी, इसीलिए ये सफ़र हो रहा है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि मेरा जो पुराना चैनल था रायबरेली रेलवे नाम से, वो भी था, उसमें करीब 6000 सब्सक्राइबर थे, तो वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बने रहिए, आगे आप लोगों को पूरी अपडेट दिखाई जाएगी जो भी गंगागंज से रायबरेली जंक्शन के बीच में डबल लाइन का काम चल रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन आने वाली है बस 5 या 10 मिनट में। तो अब आगे के सफ़र में आपको दिखाएंगे डबल लाइन का वर्क वगैरह। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों, सामने देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम इसमें बोर्ड करते हैं, उसके बाद आप आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन अब बछरावा से निकल चुकी है रायबरेली की ओर। ये बछरावा से डिपार्टिंग आप एंजॉय कीजिए। दोस्तों, हम स्किप करने वाले हैं कुंदनगंज रेलवे स्टेशन को। ये हरचंदपुर और बछरावा के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हरचंदपुर रेलवे स्टेशन। यहां पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो
दोस्तों 2 मिनट का हॉल्ट के बाद हम हरचंदपुर से निकल चुके हैं गंगागंज की ओर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गंगागंज रेलवे स्टेशन। यहां से डबल लाइन समाप्त हो जाती है और आगे रायबरेली की ओर सिंगल लाइन है। दोस्तों ये रही गंगागंज से रायबरेली की अपडेट। अब आगे की ओर आप देखिए, यहाँ से डबल ट्रैक इंड हो जा रहा है और आगे सिंगल लाइन ही जाएगी। हालांकि रेलवे ने ट्रैक वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। आप आगे जैसे जैसे ट्रेन बढ़ेगी वैसे देखते रहिए कि ट्रैक वर्क काफ़ी हद तक पूरा है, करीब 3-4 किलोमीटर तक। उसके आगे फिर जो है अभी मिट्टी लेवल की जा रही है, फिर उसमें कंक्रीट डाली जाएगी और आगे जो भी है वो करवाया जाएगा वर्क। धीरे धीरे ट्रेन अब रायबरेली की ओर बढ़ रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ से आगे ये जो बगल में ट्रैक वर्क है वो ख़त्म हो चुका है। आगे बस केवल मिट्टी लेवल करने का काम और कुछ क्रॉसिंग पे काम चल रहा है। इसके बाद फिर कंक्रीट डाल के अब अपना जो भी ट्रैक का वर्क होता है उसके बाद बिछाया जाएगा यहाँ। हालांकि इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी बाकी अभी काफ़ी काम यहाँ बकाया है। और आगे जो पुलिया पड़ती है छोटी सी, वहाँ भी पुल बनाया जा चुका है। ये देखिए, ये पुल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ का वर्क पूरा है। और अब इसके आगे सीधे रायबरेली का चंपा देवी ब्रिज ही आता है, जो कि गंगागंज और रायबरेली के बीच में के डबल लाइन वर्क में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और उसका वर्क भी बहुत तेज़ी से करवाया जा रहा है। आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे कि उसका वर्क बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। ये यहाँ कुछ क्रेन वगैरह खड़ी हुई हैं, यहाँ मिट्टी का लेवल मिलाया जा रहा है अभी और जो भी काम है। और बस हम लोग अब रायबरेली बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। आगे बस चंपा देवी ब्रिज आने वाला है, जो कि रायबरेली के बिल्कुल आउटर पे है।
ये देखिए, ये चंपा देवी ब्रिज का वर्क है जो कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, और एक तरफ का तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरी तरफ जो है दीवार बनाई जा रही है। और अब हम ट्रेन की दूसरी ओर चलते हैं, और कुछ जो रायबरेली में प्लेटफॉर्म का वर्क और नए FOB का वर्क, फुटओवर ब्रिज का वर्क चल रहा है, उसकी ओर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से पहले जो है ये जो हमारे बगल में लाइन है, और उसके बगल में जो है जो दो लूप लाइनें थी, इनको निकाल दिया गया है और इनकी जगह प्लेटफॉर्म बनेगा। और हमारी ट्रेन फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जा रही है, जो अभी करंट में बना हुआ, और उसको तोड़ दिया जाएगा बाद में ये प्लेटफॉर्म बनने के बाद। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो पुराने ट्रैक की पटरियाँ रखी हुई हैं, और आगे प्लेटफॉर्म का वर्क भी चल रहा है। ये देखिए, यहाँ भी मिट्टी का लेवल बराबर कर लिया गया है, और फुटओवर ब्रिज के लिए जो है उसका जो बेसमेंट होता है नीचे से, वो तैयार कर लिया गया है। और यहाँ जो लूप लाइन पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन था, वो उसकी लाइन खोल दी गई है ताकि कार्य करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे यहाँ फुटओवर ब्रिज को का ऊपर जो है अपना चढ़ाना है, तो उसमें दिक्कत होगी अगर वो लाइन लगी हुई रहती। ये देखिए फुटओवर ब्रिज का काम, और आगे प्लेटफॉर्म का वर्क। तो दोस्तों, वीडियो को फ़िलहाल यहीं एंड करते हैं, और आगे फिर जो भी अपडेट निकल कर आएगी, हम धीरे धीरे देते रहेंगे आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।